ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के नाशिक शहर में स्थित गोमती नदी पर बसे हुए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे जाए, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कब जाए, वहाँ पे आप कहाँ पे घूम सकते हो, वहाँ पे खाने की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे आप कहाँ पे रह सकते हो और आपको वहाँ पे कुल खर्चा कितना आ सकता है। सो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाशिक, यह स्थान भारत के सभी स्थानों से पवित्र स्थान माना जाता है। लोगों का यह मानना है कि अगर कोई व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर आता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भी त्र्यंबकेश्वर आने की सोच रहे हो या फिर आप मन बनाया है तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। सो इन वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर हम कैसे पहुंचे। त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाय रोड, दूसरा ट्रेन और तीसरा है फ्लाइट। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे बाय रोड से। त्र्यंबकेश्वर आने के लिए आपको महाराष्ट्र के सभी स्थानों से आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बसेस आपको उपलब्ध है। आपको ये बस राज्य के प्रत्येक स्टेशन से आपको मिल जाएगी। इनका किराया लगभग 100 से 300 रुपए तक आपको आ जाएगा, डिपेंड्स कि आप कौन से लोकेशन से बैठ रहे हो। सो दूसरा ऑप्शन की बात करें बाय कार से, जो कि आप मुंबई पुणे नाशिक रोड से आप बाय कार से आ सकते हो। वो भी जर्नी आपको 4 से 5 घंटे में आपको पहुंचा देगी मुंबई से नाशिक। दूसरा ऑप्शन है हमारा ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए नियरेस्ट स्टेशन आपको नाशिक रोड स्टेशन पड़ेगा। नाशिक रोड स्टेशन से मंदिर आपको 34 से 40 किलोमीटर अब तो आपको पड़ेगा, जो आपको बाय बस से या कार से आप आगे का सफर तय कर सकते हो। फ्लाइट भी अवेलेबल है, बाय पुणे एयरपोर्ट से आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हो। सो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हम पहुंच चुके हैं। सो अब हम जान लेते हैं कि हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे रुके। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रुकने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धर्मशाला और आश्रम। सो इनका किराया आपको लगभग 200 से 300 रुपए पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास होटल, जिसका किराया आपको 500 से 2000 के बीच में आपको आ जाएगा। सो आपके बजट के हिसाब से आप बुक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों कुछ खाने की बात कर लेते हैं। सो हमारे पास दो ऑप्शन है खाने के लिए। पहला ऑप्शन है प्राइवेट होटल, जहाँ पे थाली सिस्टम होता है, जो आपको थाली 90 से 120 रुपए के बीच में आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है धर्मशाला या फिर आश्रम, वहाँ पे आपको खाना आपको 30 से 40 रुपए प्लेट में आपको मिल जाएगा। सो अब आपके हिसाब से आप खा सकते हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप दर्शन कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करिए और आपकी मनोकामना मांग लीजिए। सो दर्शन हो चुका है। चलिए दोस्तों आज हम जान लेते हैं क्या और आप कहाँ पे घूम सकते हो। सो हमें सबसे पहले तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। दूसरा है कुशावर कुंड। कुशावर कुंड में कुंभ मेला होता है, इसे आप यहाँ पे आप जरूर स्नान करें अगर आप आते हो तो। 12 साल में एक बार होता है यहाँ पे कुंभ मेला। तो अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आते हो तो इस स्थान पे जरूर विजिट करें और यहाँ पे आप स्नान करना ना भूलिए। सो तीसरा प्लेस है ग्रीन हिल, यहाँ पे गोदावरी नदी का उगम स्थान है, सो आप यहाँ पे भी विजिट करें। तीसरा है नील पर्वत। चौथा है अंजनेरी पर्वत, यहाँ पे भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान है, तो यहाँ पे आप जरूर विजिट करें। यहाँ पे भगवान हनुमान जी का मंदिर भी है। ये सारी प्लेसेस आपको घूमने के लिए आप बाय कार से या फिर ऑटो से आप जा सकते हो, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि आप ऑटो से जाए क्योंकि काफी नजदीक प्लेसेस है ये सब। अगर बात करें तो मंदिर के 3-4 किलोमीटर के ही परिसर में सारी प्लेसेस है। सो अगर आप ऑटो करते हो तो ऑटो आपसे 100 रुपये या 50 रुपये तक आपको ये सारी प्लेसेस आपको घुमा सकते हैं। सो आप ऑटो से आप यहाँ पे घूम सकते हो। तो अगर हम बात करें कि त्र्यंबकेश्वर हमें कितने दिन स्टे करना चाहिए, तो एक दिन इनफ है स्टे करने के लिए या फिर पूरा त्र्यंबकेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप एक दिन रुक के आप दूसरे दिन घर जा सकते हो। अगर हम बात करें बेस्ट टाइम, तो बेस्ट टाइम है सितंबर से मार्च तक। काफी अच्छा यहाँ पे एटमोसफियर होता है, इन्वायरमेंट भी काफी अच्छा होता है। अगर बात करें टेम्परेचर की, वो भी मेंटेन होता है। सो आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हो। सो अगर हम बात करें खर्चे की, तो आपको 1500 से 2000 के बीच में आपको खर्चा आ सकता है त्र्यंबकेश्वर आने के बाद। इसमें मैंने सिर्फ त्र्यंबकेश्वर आने के बाद जो भी आपका खाने पीने का, घूमने का और रहने का यही सब जोड़ा है, आपका ट्रैवलिंग का मैंने कुछ भी इसमें जोड़ा नहीं है। त्र्यंबकेश्वर आने के बाद आपको ये सब 1500 से 2000 के बीच में आपको खर्चा पड़ जाएगा। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो अगर आपको खर्चा कम भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको 1500 से 2000 रुपये आपको खर्चा आ जाएगा। सो ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाशिक के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अपने अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से आप
पूरी सीरीज देख सकते हो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।